जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अखिलेश दीक्षित कोटा राजस्थान से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलन के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। वैसे इसके बारे में मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एलन में कॉल करना चाहिए, उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, ताकि वो आपको बताएं कि क्या प्रोसेस है एडमिशन का। तो आप उनसे पूछिए यार, ठीक है। आप कोर्सेज के बारे में जानकारी लो, फीस पूछो उनसे, कब उनके बैच स्टार्ट हो रहे हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स कौन कौन से हैं, कितनी डेट को स्कॉलरशिप एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में उनसे जानकारी लो, कब से उनकी क्लासेस चालू होगी, वेन्यू कौन से रहेंगे, ठीक है, उनके ब्रांच कौन से उनको मिलने वाली है, कौन से बैच में मुझे एडमिशन लेना पड़ेगा, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा, सारी जानकारी आप उनसे पूछ सकते हो उनसे कॉन्टैक्ट करके। फिर भी कई लोग मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करके पूछते हैं कि भैया एडमिशन कैसे लें, क्या प्रोसेस है, कैसे क्या करना पड़ेगा। तो ठीक है, उनके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उनके कॉन्टैक्ट मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो इनसे कॉन्टैक्ट आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप इनको कॉल करिए, कॉल के थ्रू आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ठीक है। और ये एक नंबर है, इन पर अगर आप इन्फो जो कैपिटल लेटर में इन्फो लिख के अगर आप इन पे मैसेज करते हैं तो इनकी तरफ से आपको कॉल आता है, और कॉल आने के बाद ये आपसे आप इनसे बात कर सकते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है वो ले सकते हो। तीसरा, इनकी वेबसाइट में जाकर आप जानकारी ले सकते हो। अगर इतना करने के बाद भी आपका कॉन्टैक्ट इनसे नहीं हो पाता है तो मैं बताता हूँ आपको इनका एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो इनके दो मोड है एडमिशन लेने के, पहला बाय एग्ज़ाम और दूसरा है डायरेक्ट। अब एग्ज़ाम के थ्रू आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन आपको या तो इनकी वेबसाइट में जाओ, आप जो मैंने अभी वेबसाइट बताई तो वेबसाइट में जाओ, वेबसाइट में जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। दूसरा, इनके ऐप में जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तीसरा है, आप डायरेक्ट ऑफलाइन जाकर इनके जो स्टडी सेंटर है या इन्फॉर्मेशन सेंटर है वहाँ से आप इनका फॉर्म लीजिए, फॉर्म लेकर आप सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए अब रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके पास कोई भी एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, या वोटिंग आईडी हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी हो, एक आपका सिर्फ आईडी प्रूफ होना चाहिए। दूसरा, आपका पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो होना चाहिए, इसी में आपका काम हो जाएगा। अगर मार्कशीट वगैरह है 10th की 12th की, या अभी रिसेंट आप जिसमें स्टडी कर रहे हो उसकी अगर मार्कशीट है तो वो आप अपलोड कर सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भैया रजिस्ट्रेशन के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे, स्लिप मिल जाएगी एक, ठीक है। तो उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। तो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम एसेट या टैलेंट टेस्ट दोनों आप दे सकते हो, ठीक है। कब होंगे, कैसे होंगे, ये जानकारी आप इनसे कॉल करके पूछ सकते हो या इनकी वेबसाइट में जाकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जब एग्ज़ाम दे देंगे तो आपका रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकलने के बाद पता चलेगा आपको कि आपको स्कॉलरशिप मिली है या नहीं मिली है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो वो आपकी फ़ीस में से कम हो जाएगा, जितना आपको स्कॉलरशिप मिला है वो आपका फ़ीस में डिडक्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी की फ़ीस आपको जमा करानी पड़ेगी। तो इसके बाद ही जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा तब उसके बाद ही आपको फ़ीस जमा करानी रहती है, ठीक है। एक टाइम पीरियड होता है तो उसके अंदर अंदर फ़ीस जमा करानी रहती है, वरना स्कॉलरशिप आपकी डिसमिस हो जाएगी, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो फ़ीस डिपॉजिट कराने के लिए भैया सबसे पहले आप इनकी वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट के थ्रू आप इनकी फ़ीस डिपॉजिट कर सकते हो। इनको आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या RTGS करके, या NEFT करके, या फिर आप नेट बैंकिंग से, पेटीएम के थ्रू, कैसे भी आप इनको फीस अपनी डिपॉजिट करवा सकते हो, ऑनलाइन डिपॉजिट करवा सकते हो। और अगर ऑनलाइन नहीं हो पाती है तो आप इनके पास जाकर चेक के थ्रू आप दे सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट DD के थ्रू आप दे सकते हो, ठीक है। तो जो भी रहेगा आप जिसके भी थ्रू आप अगर आप इनके जो फीस दोगे तो उसकी स्लिप आपको मिल जाएगी, ठीक है। स्लिप आपकी अभी वेबसाइट के थ्रू करेंगे या ऐप के थ्रू करेंगे तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, और अगर ऑफलाइन करेंगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, जब आपका DD या चेक क्लियर हो जाएगा तो आपके पास कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपकी कैश में फीस डिपॉजिट नहीं होगी। तो भैया जब फीस डिपॉजिट हो जाएगी आपकी तो फिर आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, वो आपको अवेयर के रखनी है, क्योंकि जब आप यहां पर आओगे या किसी भी स्टडी सेंटर पर जाओगे तो वो फीस की जो स्लिप है उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा, मतलब कि आपको जो भी एडमिशन एडमिट कार्ड वगैरह मिलेंगे, अटेंडेंस कार्ड मिलेगा, आपको बैग, आपके स्टडी मटेरियल, आपके ड्रेसेस वगैरह, छाता मिलेगा। एक छाते का बहुत ज़्यादा यूज होता है भैया, आप स्टार्टिंग में पूछेंगे कि यार छाता क्यों मिल रहा है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, यहाँ आने के बाद ही आपको पता चलेगा, ठीक है। और अगर ऑफलाइन मोड है तो स्टडी मटेरियल वगैरह आपको यहाँ पर जो क्लासरूम के बाहर काउंटर्स होते हैं वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आप एडमिशन के टाइम ही आपको मिल जाएगा। नीट वालों को तो वहीं पर मिल जाता है, ठीक है। बाकी IIT वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो काउंटर्स होते हैं क्लासरूम के बाहर उन पर जाकर मिल जाएगा, ठीक है।
अटेंडेंस कार्ड, सॉरी जो उनका एडमिट कार्ड होता है, जो इनका आईडी प्रूफ होता है, वो आपका आईडी फोटो आईडी बनेगी भैया। कम से कम जो आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो उसके विद इन 15 डेज में आपके पास मिल जाएगा, वो भी आपका काउंटर से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई डेमो क्लासेस भी होती है क्या? तो भैया डेमो क्लासेस नहीं होती है, क्योंकि दो चार दिन में आप किस टीचर के बारे में पता कर सकते हो, ठीक है। जब नया नया फ्लो बनेगा, कुछ समझ में आएगी, धीरे धीरे समझ में आती है सब, तो दो चार दिन में डेमो क्लासेस का कोई फायदा नहीं है, तो डेमो क्लासेस यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती। तीसरा है कि स्टूडेंट्स कुछ पूछते हैं कि भैया कितने दिन पहले हमको आना पड़ेगा, कैसे आएँ, कैसे क्या नहीं है। तो भैया आप अगर 5-7 दिन पहले आओ तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपको हॉस्टल ढूंढने हैं, मेस वगैरह ढूंढना है, ठीक है, स्टेशनरी, और यहाँ पर जो भी चाहिए आपको रिक्वायरमेंट की चीज़ें वो सारी कलेक्ट करने में, यहाँ के माहौल को समझने में, क्लासेस कितनी दूर है, मान लो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो साइकिल वगैरह जो भी आपकी व्यवस्था है वो सारी करने में 5-7 दिन का समय तो लगभग लगता ही है। तो इतने दिन पहले अगर आप आओ तो वो बेटर रहता है। होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, एडमिशन प्रोसेस के बारे में पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हो, वहाँ हम रेगुलर अपडेट करते हैं। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन, हर अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ठीक है भैया, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।